शौक है बड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सूरज नेगी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल नमस्ते उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल नमस्ते उत्तराखंड पे एक और Instagram वीडियो क्रिएटर मेगा प्रीत, जिनके की Instagram पे 16,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में अपनी वीडियोस को बनाती हैं, तो उनकी कुछ वीडियोस के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये नंबर फिट नहीं हो रहा मेरे, उसमें तू करके दे दे। हाँ, वो ही सेव करके दे दे, एक ही बात है। दिखा दिखा, मुझे भी दिखा इनकी फोटो। ताऊ जी लोग है ना, ये घूमने गए हैं। एक बार मेरा फोन देख दे, मैंने अपने फोन में डाउनलोड करे हुए भजन रखे थे, ये मिल नहीं रहे मेरे को। देख दे एक बार, ये देखो तीर्थ जाने की उम्र में ये लोग गोवा गए हैं ऐसे कपड़े पहन के। बताओ, और वो भी स्टेटस लगाया है। तेरे फोन से अच्छी फोटो मेरे फोन में आती है ना? गोरे से आ रहे ना ये मामी। मेरे को इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस कहाँ से भेजती है देख। अच्छा, इंस्टाग्राम डाउनलोड करो मेरे में भी, खोल दे मेरा। मेरे फोन से देख, सोनू की मम्मी के स्टेटस नहीं दिखते, देख एक बार। ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किसने करा? हटा दे फिर उससे। ये मेरे फोन की लाइट ज्यादा कर दे पहले तू, पता नहीं क्या कुछ अंधेरा सा दिखता ही नहीं है। मेरा फोन बंद हो गया बेटा, एक बार अपना फोन दे देगी मौसी से बात करने के लिए? अरे नहीं करूंगी, 2 घंटा बाद, बस 2 मिनट, एक बार दे दे। तुम दोनों को मैं अभी समझा दे रही हूँ, कल बुआ आने वाली है, 9 बजे मत उठना ऐसे बेशर्मों की तरह। कल से सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के मंदिर में बैठ जाना बुआ के सामने। एक तुम दोनों से परेशान हो गई हो, दिन भर थकावट है तुम्हारा, फोन 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 फोन। कल से बुआ आ रही है, कल से फोन को हाथ भी मत लगाना। बुआ ने मेरे से कुछ कहा, मैं तुम दोनों के फोनों में आग लगा दूंगी, देखना। बेटा ये काले कपड़े रख देना, बुआ आ रही है, बुआ के सामने काले कपड़े निकालना भी मत। बुआ कैसा कर देती है काले कपड़े पहनते ही करके, इसको अभी रख देना, बुआ के जाने के बाद निकालना। कल से बुआ आ रही है, तुम दोनों का बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद। बुआ को वैसे ही STD की परेशानी है, खाएगी तुम लोगों के साथ, कुछ हो बैठेगा फिर कहाँ ले जाएंगी बुआ को। कल से बिल्कुल खाना पीना बंद बेटा। इधर आओगे तुम दोनों, रोटी सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। कल से बुआ आ रही है, घर के सारे काम तुम दोनों करोगे। फिर बुआ मेरे से कहती है तूने अपने बच्चों को काम करना नहीं सिखाया है, निकम्मे बना रखे। इधर आ रहे पिया, आके मेरे साथ फ्रिज साफ कर। कल से बुआ आ रही है, फिर कहेगी ऐसा फ्रिज बना रखा है, ऐसे घर बना रखा है, फटाफट सफाई करने लगो मेरे साथ। सिबो ये लोरे में भी सेब लाई हूँ, सेब खिलाना है इसको। क्या हुआ वैसे? ओइचा पी लिया हो रहा है ये, इन बच्चों का आजकल है ये सब फोन के चक्कर में हो रहा है। मैं तो अपने बच्चों से भी कहती हूँ, दिन भर फोन में लगे रहते हैं, फिर ऐसी ऐसी गंदी बीमारियां पकड़ती है इनको। हे भगवान, ये पी लिया भी तो बहुत ही गंदी बीमारी है रे। हमारी नहीं हो, बेरी नाग वाले इसके पापा के नाना जी, पिछले साल उनको भी हुआ रे पी लिया। सिबो क्या क्या नहीं करा, बचाते बचाते कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, लास्ट में अपनी जैसी करी चले गए रे। छी, ऐसी बीमारी किसी को ना हो। आजकल तो फल भी इतने महंगे हो रहे हैं, खाने जैसे नहीं हो रहे हैं रे। अभी मैं भी 100 रुपए किलो लाई हूँ सेब। नेहा की मम्मी तो कह रहा आधा ही किलो लाई, 50 में दे दिए होंगे इनको। मेरे को तो बड़ी मुश्किल से 80 में माना। मैंने कहा लाओ आई सिबो, बीमार बच्चा हुआ फली तो खाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, एक बार तुम इसको भटजी की विभूति भी लगा लो, क्या पता जब डरा डुरा हो। आजकल के लड़के मड़के वैसे भी रात अगात घर आते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है रे, एक बार विभूति लगा लो तुम इसको। बाप रे, अब तो इनकी मोमो चाउमीन पिज्जा सब बंद करवाना रे। अब सिर्फ भटिया खिलाना थोड़े दिनों और हरी सब्जी खिलवाना इनको। 6 महीने तक का तो पूरा परहेज चाहिए पीलिया में। आजकल के बच्चे बहुत ही बिगड़ गए हैं रे, बहुत ही ज्यादा झूठ बोलने लग गए हैं। 1 हफ्ते से मेरे घर पे खाना बर्बाद हो रहा। मैंने कहा खा क्यों नहीं रहे होंगे मेरे दोनों के दोनों, मैंने कहा खा क्यों नहीं रहे हो रे बेटा तुम लोग खाना आजकल। कह रहे मम्मी हमें भूख नहीं लग रही है। मेरे को चिंता हो गई, मैंने कहा पीलिया टाइफाइड का मौसम हो रहा है, कहीं हो तो नहीं गया इन लोगों को। मैं दुकान से जाके हॉस्पिटल से जाके इनके लिए दवाई तक ले आई, फिर भी नहीं खा रहे। मैंने कहा बेटा क्या हो गया रे तुम लोगों को? कह रहे मम्मी हमें बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। आज जो मैंने कपड़े रखने के लिए इनकी अलमारी खोली, अलमारी खोलते ही पिज्जा के डब्बे डब्बे, फ्रूटी के डब्बे डिब्बे। मैंने कहा इधर आओ तुम दोनों, मैंने कहा ये है तुम्हारी हरकत है, मैंने कहा इसलिए नहीं लग रही तुम लोगों को भूख। मैंने कहा मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ी हुई इकट्ठा करी हूँ, इनको देखो ये। मैंने कहा कहाँ जाओगे ये सब खा के? बाहर गई कूड़े में, तुम देखते पूरे पिज्जा के डब्बे छुपा रखे हुए थे सोनू की अम्मी इन लोगों ने। इतने बदमाश बच्चे हैं आजकल के, इतना झूठ बोलते हैं। मैंने कहा तुम लोग घर से बाहर निकलो अब, और फोन से जोमेटो वोमेटो क्या क्या चलाते हैं आजकल ये बाहर से खाना ऑर्डर, मैंने कहा सब डिलीट करो। मैंने कहा देखती हूँ कैसे खा दो।